हेलो फ्रेंड्स आई डॉक्टर सी एस प्रशांत पी पटेल वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल पी एम पी असिस्टेंट प्रोफेसर आर वी पटेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड वी एल शाह कॉलेज ऑफ कॉमर्स अमरोली सूरत स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिनेशियल मैनेजमेंट इट इज़ हेल्पफुल टू दी एम स्टूडेंट्स एज वेल एज सी एंड एनी अदर पी कोर्स that is going that has been going on in any university Sabke liye kaam ka hai. the topic is risk management yeah, one of the best topic and important one in real life as well as for the purpose of examination now before going towards the risk management let us understand what you mean by risk you risk out simple definition. Kya hai? risk can be defined as an uncertainty that could have नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेशन और ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिवस कि भाई रिस्क यानी क्या देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हो तो देर आर सर्टन अनसर्टेनिटी आज समझो कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ या मेरा बिजनेस चल रहा है बहुत सालों से मतलब न्यू बिजनेस है या कंटिन्यूस बिजनेस है तीन चार सालों से चल रहा है कोई भी तरीके का बिजनेस हो सभी में कोई ना कोई तरीके का रिस्क है आज मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे डर रहेगा हमेशा कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा रिलायंस कंपनी जब स्टार्ट हुई होगी उसको भी रिस्क हुआ होगा और आज भी रिलायंस को रिस्क है ऐसा नहीं कि कंपनी बड़ी हो गई तो उसको कोई रिस्क नहीं है कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा बीच में तो रिलायंस भी तो डूब सकती है हर कोई चीज हर एक चीज़ जो ऊपर जाएगी वो नीचे गिरने ही वाली है कभी ना कभी आज नहीं तो कल तो रिस्क हर एक चीज़ में है हर एक बिजनेसमैन को रिस्क फेस करना ही पड़ता है तो इट हम कहते हैं लाइफ हमेशा अनसर्टेनिटी है तो बिज़नेस में भी अनसर्टेनिटी है कुछ फिक्स नहीं है आज समझो कि किसी पर्सन ने समझो कि मिस्टर एक्स है उसने बिजनेस शुरू किया कौन सा बिजनेस शुरू किया तो उसने प्लास्टिक के प्लेट्स आते हैं वो बनाने शुरू किए जिसमें हम खाना खाते हैं क्योंकि मार्केट में आजकल प्लास्टिक प्लेट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है लोग क्या करते हैं साफ़ करने से अच्छा यूज़ करो और फेंक दो ऐसे यूटेंसिल्स पसंद करते करते हैं ज़्यादा प्लास्टिक्स या कागज़ के या थर्मोकॉल के तो मिस्टर एक्स ने ऐसी कोई कंपनी शुरू की जिसमें वो प्लास्टिक के प्लेट्स बनाते हैं अब प्लास्टिक के प्लेट्स बनाने के भी अलग अलग मशीनस होते हैं कुछ मैन्यल होते हैं कुछ ऑटोमेटिक होते हैं कुछ हाइड्रोलिक होते हैं क्लियर और धीरे धीरे उसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है अब मिस्टर एक्स ने क्या सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेता हूँ ताकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होगा ऑटोमेटिक तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ऐसा सोच के मिस्टर एक्स ने वो प्लेट का बिज़नेस लगा दिया तो जरूरी थोड़ी ना बिजनेस चलेगा प्लेट बनाने वाले बिजनेस कितने हैं आप अब को क्या, क्या है? पहला मैंने बना तो दिया खरीदने वाला नहीं मिला तो दूसरा चलो आज मेरी लाइन में कोई नहीं है लेकिन एक महीने बाद या दो महीने बाद कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो तीसरा रिस्क क्या है कि भाई मैंने आज जो मशीन ली है क्या पता एक महीने बाद इससे भी अच्छी मशीन आ जाए और मेरी मशीन आउटडेटेड हो जाए मतलब मेरे से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली मशीन मार्केट में आ जाए सस्ता प्रोडक्ट बना के दे मेरी प्लेट पचास पैसे में तैयार हो रही है उसकी प्लेट शायद बीस पैसे में तैयार हो जाए तो ये सारे रिस्क है ये सब अनसर्टेनिटीज़ है क्लियर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ होगा ही हमें पता नहीं है होगा कि नहीं होगा तो जो बिजनेस का लाइफ है इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टिनिटी हमें कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है क्या नहीं अब जो भी घटना घटेगी या तो हमें वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगी या तो हमें वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी अगर पॉजिटिव इफेक्ट करती है मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो डेट इज़ कॉल अपॉर्चुनिटी क्लियर वो हमारे लिए अच्छा है लेकिन वही कंडीशन अगर हमारे लिए नेगेटिव आ जाती है वो हालात हमारे लिए गलत साबित हो जाते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट अ रिस्क जो हमने सोचा था वो हो गया हमारे साथ जो गलत हमने सोचा था अगर सही होता है तो बात अच्छी है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो इट इज़ कॉल अपॉर्चुनिटी समझो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी क्या कि सामने वाले का बिजनेस बंद हो गया जो बहुत दूर था हमसे मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई नहीं हम सबसे एडवांस हैं दिज ऑल आर द पॉजिटिव तो कहते ना बिजनेस में कुछ फिक्स नहीं होता मार्केट आपको सपोर्ट कर जाए तो आप पॉजिटिव हो मार्केट आपको सपोर्ट ना करे कंडीशन आपको सपोर्ट ना करे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कस्टमर अच्छा रिप्लाई देगा तो गुड फॉर यू नहीं देगा तो ऑलवेज रिस्क तो बिजनेस में ऑलवेज रिस्क होता है क्लियर तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी कि रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनसर्टिनिटी दैट कुड हैव नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेशन्स और ऑन वन और वन और मोर ऑब्जेक्टिवस मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है क्लियर हमारा सबका ऑब्जेक्टिक होता है बिजनेस चलना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए वेल्थ बढ़नी चाहिए ये हर एक बिजनेस मैन का ऑब्जेक्ट होता है इसके अलावा और भी हो गया लेकिन मेन ऑब्जेक्ट यही होता है मेरा बिजनेस दिन दुगना रात चौकना आगे बढ़े मेरी प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ती जाए यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा होगा यार हम बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मेरा इतना प्रोडक्शन होगा इतना बिकेगा इतना प्रॉफिट होगा ये हमारी एक्सपेक्टेशन है ज़रूरी नहीं है वो हो अगर हो गया तो बात अच्छी है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ कॉल्ड रिस्क रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनसर्टेनिटी दैट कुड हैव नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेशन और वन और मोर ऑब्जेक्टिव क्लियर आई होप सो बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट नाउ रिस्क क्या है हम समझ गए कि भाई कुछ भी हो सकता है बिजनेस में और उसे हम कहते हैं रिस्क अगर गलत हो जाए तो अब जनरली बिजनेस में दो तरीके के रिस्क होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क बिजनेस रिस्क एंड फिनंशियल रिस्क अब समझते हैं बिजनेस रिस्क यानी क्या, क्या और फिनेंशियल रिस्क यानी क्या, क्या। देखिए सिंपल सी चीज़ है जैसे कि मैंने आज बिजनेस सेटअप किया है ज़रूरी नहीं है कि कोई सब स्मूथली सब कुछ चले हर एक बिजनेसमैन है ना कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है क्लियर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं आप भी समझो कि आप भी उसमें से एक हो फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मिस्टर एक्स जो है वो ए बी सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्लियर हमारे हम, हम यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए बी सी मिस्टर एक्स उसको फंडिंग देते हैं इलेक्शन के लिए क्यों क्योंकि उस जगह पे एबीसी चल रही है मतलब कल उठ के कोई भी प्रॉब्लम आई तो ए बी सी हेल्प करेगी ऐसा सोच के वो आज फंडिंग कर रहे हैं अब कल उठ के इलेक्शन हुए एबीसी इलेक्शन हार गई और नई पार्टी मार्केट में आ गई पी क्यू आर अब ये तो उनके सपोर्ट में नहीं थी ये ऑपोजिट पार्टी थी अब क्या वो उनका बिजनेस से चलने देंगे नहीं चलने देंगे ये तो कहने का मतलब है पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं बहुत बार या तो समझो कि कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं आए मार्केट के अंदर अभी भी उनकी पार्टी है रूलिंग में लेकिन कंपनी की पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो बदल गए प्लेट के ऊपर बैन लग गया या जीएसटी का रेट बढ़ गया तो मिस्टर एक्स को तो महंगा ही पड़ेगा जीएसटी का रेट बड़ा मतलब प्लेट महंगी पड़ेगी तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती है कभी कभी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है हमें पता ही नहीं है कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है दूसरे ही दिन हम हमने जैसे ही मशीन खरीदा दो महीने में और एक नई मशीन आ गई हमसे एडवांस तीन महीने में और एक मशीन मशीनरी आ गई एडवांस मतलब हम धीरे धीरे दो तीन महीने में ही आउटडेट हो गए हमारी मशीनरी पूरा नहीं पड़ने लगी मार्केट में हमसे भी अच्छी अच्छी मशीन मार्केट में आ चुकी है टेक्नोलॉजी भी हमारे हाथ में नहीं है समझो कि कैलामिटीज आ गई फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया कोरोना आ गया देखिए सडनली बिजनेस बंद हो गए तो ये सब रिस्क हमारे हाथ में है ही नहीं हम उनके सामने लड़ भी नहीं सकते क्योंकि लड़ने बैठेंगे तो और नुकसान होगा लेर कोरोना टाइम पे हमारे हाथ में कुछ नहीं था नुकसान ही हुआ हमें नेचुरल कैलामिटी आ जाए फ्लड आ जाए तो फ्लड को आप कहाँ से रोकोगे बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा उस टाइम पर अर्थक्वेक आए मतलब बिजनेस पीछे हट जाता है क्लियर तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क बिजनेस में दो तरीके के रिस्क होते हैं एक होता है बिज़नेस रिस्क और एक होता है फिनंशियल रिस्क तो ये जितने भी मैंने बताया आपको ये सारे कैसे हैं बिजनेस रिस्क है जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज आ जाना गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो जाना या तो फिर नेचुरल कैलामिटीज़ को आना या तो फिर कोई कल्चरल इश्यू हो जाना कभी कभी होता है कैसा कि समझो कि आप कोई पर्टिकुलर एरिया में हो बर वहाँ पे दो तीन कम्युनिटी रहती है आपने किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर दिया समझो लेर ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत इफेक्ट करती है आप किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर दोगे ना तो दूसरी कम्युनिटी वाले आपके अपोज में बैठ जाएंगे और आपके प्रोडक्ट को अपोज करेंगे कि इनका प्रोडक्ट तो हम लेंगे ही नहीं और ऐसा रियल में इंडिया में बहुत होता है तो कल्चरल इश्यूज़ के वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है आप ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ो उतना ही अच्छा है क्लियर बिंग अ बिजनेसमैन आपको आपका प्रॉफिट देखना है कि भाई मुझे सबको संभालना है क्योंकि सभी मेरे कस्टमर हैं तो ये सब चीज़ें कैसी होती है आपके हाथ में होती ही नहीं है कभी कभी तो आपने कुछ बोला भी ना हो लेकिन आप कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो दूसरी कम्युनिटी वाले आपके प्रोडक्ट ले ही नहीं क्लियर ऐसा भी आपने देखा होगा कि कोई एक कम्युनिटी वाले होते हैं ना उनकी शॉप में से कोई सामान ही नहीं ख़रीदता भले वो कितना भी अच्छा बंदा हो लेकिन उसकी कम्युनिटी को कोई लोग पसंद नहीं कर रहे तो उसके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीद रहा है ऐसा रियल में होता है क्लियर और ये सब क्या होता है बिज़नेस रिस्क तो जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है कि ये हर तरीके से मुझे शायद नुकसान हो सकता है क्लियर तो सबसे बड़ा रिस्क कोई बिजनेस में होता है तो वो खुद बिजनेस रिस्क होता है दिज ऑल आर द सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस रिस्क अब दूसरा होगा फिनेंशियल रिस्क अब ये जो होता है वो हमारी गलती के है आगे जो हमने देखा वो कैसा था एक्सटर्नल रिस्क था मतलब वो हमारे हाथ में है ही नहीं वो हो गया तो हो गया आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिनेंशियल रिस्क जो है वो तो हमारे हाथ में ही है मतलब मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप बिजनेस कर रहे हो आपने पैसा लगाया तो पैसों के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए कभी कभी क्या होता है बिजनेसमैन का पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता वो बिना गिनती करे खर्चे करता है ऐसा सोच के कि ये भी ख़रीद लेता हूँ वो भी खरीद लेता हूँ फिर बेचूंगा आगे बड़ी क्वांटिटी पे एक मशीन खरीदने के लिए वो पाँच छः मशीन खरीद लेता है सोचता है मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा बिक जाएगा पर भाई कस्टमर भी तो होने चाहिए उतने तो धड़ाधड़ एक्सपेंडिचर किए जा रहा है इनकम तो हो नहीं रही है सामने से घर के ही पैसे डालेगा क्या बिज़नेस में तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती है आपको फिनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए आपको एक्सपेंडिचर कैसे करना है वो पता होना चाहिए आपको इनकम कैसे करनी कुछ लोग कैसे होते हैं माल लेके आते हैं कैश में कलियर मतलब पैसा तो उसने दे दिया रॉ मटेरियल का बिजनेस शुरू किया ऐसा सोच के कि मैं ईमानदार हूँ मैं पैसा तुरंत दे दूंगा मुझे किसी की उधारी नहीं चाहिए और फिर बेचने निकलेगा बना के कोई चीज़ तो सामने वाला तो बोलेगा मुझे उधार दे और ये दया खा के दे देगा चल तू एक महीने के लिए उधार लेके जा पर नुकसान किसका हुआ अपना ही हुआ ना अपने तो उसको कैश दे के आए सामने और इसको उधारी दी तो हमारा पैसा तो अटक गया बिजनेस कभी ऐसे नहीं होता क्लियर इमोशनल हो के कभी बिजनेस किया जा सकता नहीं है जो पैसों को संभाल सके अच्छे से वही पर्सन बिजनेस कर सकता है और यही रीज़न है कि बिज़नेस हर कोई शुरू करता है लेकिन टिकाते बहुत कम लोग हैं क्लियर तो पैसों को आप संभाल लोगे पैसों के ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो ही आप बिजनेस कर पाओगे वरना वही पैसा आपके लिए क्या बन जाएगा रिस्क बन जाएगा आपका ही पैसा आपके लिए रिस्क बन जाएगा और बिजनेस को डुबा देगा क्लियर तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई पैसों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर तो याद रखिए सिंपल सी चीज के दो तरीके के रिस्क होते हैं बिजनेस में आप इसे एक्सटर्नल इंटरनल भी कह सकते हो लेकिन मैं तो कहूंगा प्रॉपर वर्ड यूज करिए बिजनेस रिस्क एंड फिनानशियल रिस्क बिजनेस रिस्क मतलब जो होगा लेकिन हमें पता नहीं है कब होगा लेकिन होने की चांसेस होते हैं ऑलवेज और ये जब होगा तब वो हमारे हाथ में कंडीशन होगी नहीं जबकि फिनेंशियल रिस्क नाम में ही है कि पैसे आपको संभालने नहीं आते बरोबर से आपकी पॉलिसीज बरोबर नहीं है आपका कॉस्ट कंट्रोल अच्छा नहीं है आपका एक्सपेंडिचर कंट्रोल अच्छा नहीं है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत डिफेक्टिव है ये सारी चीज़ों की वजह से आपको क्या करना पड़ता है फिनेंशियल रिस्क को फेस करना पड़ता है और ये दोनों रिस्क ऐसे हैं बिजनेस रिस्क है फिनेंशियल को डुबा सकते हैं क्लियर आपको रास्ते पे लेके आ सकते हैं तो बिंग अ बिजनेस मैन आपको ये दोनों रिस्क के सामने कैसे लड़ना है वो आना चाहिए अगर आता है तो आप बिजनेस में टिक पाओगे वरना आपका बिजनेस डूब जाएगा क्लियर तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ आपको इसमें से क्वेश्चन कौन से कौन से आ सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है आई एम टॉकिंग अबाउट एम कॉम एग्जामिशन ओवर ईयर क्लियर बाकी सब एग्जामिनेशन में शायद अलग अलग पैटर्न में पूछे अगर आपको दो मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूछे वॉट यू इन बाय रिस्क तो आप सबसे पहले क्या करिए रिस्क की डेफिनेशन लिख दीजिए फिर उसको और थोड़ा एलोबरेट करिए थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि भाई ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है कि भाई मैंने समझो कि ये डेफिनेशन लिख दी मैंने कि भाई रिस्क यानी ये चार लाइन हो गई मेरी तो so, मैं नीचे एक पैराग्राफ में और एक लिखूंगा इन द अबो डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन बिजनेस एवरीथिंग इज अनसर्टन वॉट एवर एक्टिविटी दैट इन फ्यूचर विल कंडक्ट इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ इट इज़ इन आवर फेवर दैन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड इफ इट इज नॉट इन अवर फेवर दैन इट इट इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट एंड दैट इज वॉट रिस्क इज ऐसा आप उसको अलाउबरेट करिए डेफिनेशन को तो उससे क्या होगा आपका आधा पेज जितना जाएगा उसके बाद आपको दो मार्क में पूछा है वॉट यू मीन बाय रिस्क तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया उसके बाद आप नीचे एक डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए सेंटर में लिखिए टाइप्स ऑफ रिस्क ये सेंटर में आप क्या लिखिए टाइप्स ऑफ रिस्क और फिर उसके दो हिस्से कर दीजिए देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क एक साइड लिखिए बिजनेस रिस्क और दूसरी साइड लिखिए फिनेंशियल रिस्क एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं फिर बिजनेस रिस्क और फिनेंशियल रिस्क को आप इतना भी करोगे तो भी आपका आंसर आराम से वन पेज अप्रॉक्स चला जाएगा नॉट हंड्रेड परसेंट वन पेज थोड़ा बहुत वन पेज के आसपास सेवेंटी फाइव एटी एटी परसेंट जितना पेज आपका फुलफिल हो जाएगा और अगर आपको उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है बिजनेस रिस्क और फिनेंशियल रिस्क को भी तो आप दोनों के बारे में दो तीन लाइन लिख सकते हो तो, तो आपका पूरा एक पेज हो ही जाएगा क्लियर तो क्वान्टिटी भी दिखेगी इसमें और क्वालिटी भी दिखेगी Clear? और बाकी सारी एग्जामिनेशन जो है पी के या कोई प्रोफेशनल कोर्स में तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्लियर हो सकता है कुछ जगह पे ये क्वेश्चन चार मार्क में भी आता हो या कुछ जगह पे एक मार्क का भी आता हो तो उस हिसाब से एग्जामिनेशन से आप प्रिपेयर कर दीजिए तो आई होप सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि बी व्हाट यू मीन बाय रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क नाउ मूविंग फर्दर रिस्क मैनेजमेंट देखिए एक चीज़ तो हम समझ के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन दैट डजन मीन कि भाई रिस्क है तो बिजनेस डूब जाएगा हमारे यहाँ पे जो बिज़नेस करने वाले हमारे यहाँ पे नहीं कोई भी जगह हो जो बिज़नेस मैन है उसको पता है भाई कि उसके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है पर रिस्क है तो इश्क है सिंपल सी चीज़ है क्लियर कि भाई रिस्क है तो वो मैनेज भी या करना आता है उसको हर एक बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है और वो हर एक फे, पर्सन फेस करता भी है और वो रिस्क को हरा के अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाता है एंड दैट इज़ वाट कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट के जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रही है हमारी तरफ आगे बढ़ रही है जो नुकसान हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है नो no डाउट अभी तक हमारे तक पहुंचा नहीं है लेकिन जब भी पहुंचेगा, हम तैयार बैठे उस रिस्क को फेस करने के लिए हम हमारे बिजनेस में नुकसान नहीं होने देंगे हम कैसे भी करके उस रिस्क को हटा देंगे सामने से और हटा नहीं पाए तो एटलीस्ट उसको उसकी इफ़ेक्ट को हम कम कर देंगे क्लियर पहला हम ट्राई करेंगे कि वो रिस्क हमारे तक पहुंचे ही नहीं हमारा बिजनेस सिंपल ही चलता रहे अगर नहीं रोक पाते हम हमारे तक रिस्क पहुंच जाता है तो हम ट्राई करेंगे कि उसकी इफ़ेक्ट कम हो ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा लॉस ना हो एंड देट इज़ वाट कॉल्ड इज रिस्क मैनेजमेंट आपने रिस्क को समझा और उसको मैनेज किया क्लियर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो क्या होगा वो रिस्क आपकी तरफ इतने स्पीड में आएगा कि आपके बिज़नेस को डुबा के चला जाएगा ये बिज़नेस डूबते क्यों है क्यों अपना धंधा बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क मैनेजमेंट करना सीखा ही नहीं है जो आपके बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे हैं यहाँ भी उनमें से बहुत सारे पेरें उनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे या वो खुद बिजनेस कर रहे होंगे मतलब आप अभी भी टिके हुए हो मार्केट में या आपके पेरेंट्स अभी भी टिके हुए हैं मतलब उन्हें रिस्क मैनेजमेंट करना आता है जिस दिन बिजनेस डूब जाए उस दिन समझ लेना कि आपको उस दिन रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आया क्लियर तो जब बिजनेस डूबता है तो यही कारण होता है कि रिस्क उनको पता नहीं होता है कैसे आएगा और पता नहीं होता तो वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते क्लियर तो एक बिजनेसमैन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए स्किल टैलेंट होना चाहिए तो चलिए समझते हैं व्हाट यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट मीन्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड प्रायोरिटीजेशन ऑफ रिस्क फॉलोड बाय कोर्डिनेटेड एंड इकोनॉमिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सिस विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग प्रॉबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट और टू मैक्सीमाइज द रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप काफ़ी लंबी डेफिनेशन है इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट यानी क्या तो सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है जो भी रिस्क हमारी तरफ आ रहा है समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहे हैं वही प्लेट वाला बिजनेस प्लास्टिक की प्लेट बना के बेचते हैं। अब उन्होंने जाना मार्केट में कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे मेरे एरिया के अंदर मेरे आजू बाजू में पहले कोई नहीं था पचास किलोमीटर के अंदर मतलब वो पचास किलोमीटर का पूरा एरिया मेरे हाथ में था मैं जिसको प्लेट बेचूँ वो खरीदता था लेकिन अब वही पचास किलोमीटर के अंदर और दो जन आ चुके हैं मतलब हम टोटल तीन जन हो चुके हैं नाउ दिस इज़ रिस्क फॉर मिस्टर एक्स ये भाई मेरे कस्टमर टूट जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे कहीं और चले जाएंगे तो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा चलिए तो ये क्या हुआ मिस्टर एक्स ने आइडेंटिफाई किया रिस्क को क्लियर सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें रिस्क क्या है तो मिस्टर एक्स ने आइडेंटिफाई किया कि दो कॉम्पिटिटर मेरे रिस्क है फिर असेसमेंट करिए उनको हो सके ना उतना जानिए कि वो क्या करते हैं उनके पास कितने पैसे हैं, कौन सी उनके बारे में जितना हो सके ना डेटा कलेक्ट करिए क्योंकि अब हमें उनके साथ लड़ना है लड़ना इन सेंस छीनी हथौड़ा लेके मारा मारी नहीं करनी है स्ट्रेटेजिकली लड़ना है मार्केट के अंदर कस्टमर को कैसे हमारी तरफ लाना है उस हिसाब से लड़ना है हमें क्लियर असेसमेंट करिए और लड़ने के लिए हमें उनके पास उनके पास जितना भी चीज़ें हैं उनको जान जानना जरूरी दुश्मन को जितना जानोगे उतना आप अच्छे से लड़ पाओगे तो आप उस रिस्क को समझने की कोशिश करिए देन आफ्टर प्रायोराइटीज प्रायोराटाइजेशन अब प्रायोराटाइजेशन यानी क्या ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिस्क को मार्केट में दो तीन रिस्क एक साथ आ सकते हैं मतलब एक तरफ से कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए दूसरी तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बदल रही है जो आपके लिए सही नहीं है तीसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है मतलब आप पुराने हो जाओगे और अब रे एक साथ इतने सारे रिस्क एक तरफ से कॉम्पिटिटर आ रहे हैं दो दो एक तरफ से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है जो हमारे फेवर में नहीं है एक तरफ से नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है तो कितना सारा रिस्क बढ़ रहा है मेरे बिजनेस में तो कोई बात नहीं आप तीनों रिस्क को समझिए तीनों रिस्क के आप आइडेंटिफाई करिए चलो आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट में अलग अलग तरीके के तीन रिस्क है पहला रिस्क कॉम्पिटिटर दूसरा रिस्क गवर्नमेंट की पॉलिसी और तीसरा रिस्क टेक्नोलॉजी बदल रही है आपने आइडेंटिफाई कर दिया अब तीनों को समझिए तीनों के बारे में जितनी माहिती हो सके कलेक्ट करिए असेसमेंट एंड देन प्रायोराटाजेशन प्रायोराइट मतलब क्या अब प्रायोरिटी दीजिए कि किसको मैं पहले फेस करूँगा पहले कॉम्पिटिटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ पहले पॉलिसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ कि पहले टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करो क्लियर आप एक साथ तीनों पे तो टूट नहीं सकते क्लियर अगर आपके पास स्टाफ उतना बड़ा है तो लगा दीजिए एक एक टीम को कि तू ये रिस्क संभाल तू ये रिस्क संभाल अगर आपका बिजनेस छोटा है अब प्लेट बनाने वाला बिजनेस उतना बड़ा तो होता नहीं है तो आपको अकेले ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा तो बस प्रायोरिटी दीजिए कि पहले मैं कॉम्पिटिटर को देखूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा मुझे या कुछ लोग ऐसा सोचे कि पहले मैं टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट देख लेता हूँ क्लियर वो तो बिजनेस की अपनी अपनी थिंकिंग होगी उसको जो सही लगे उसको पहले सॉल्व करेगा इन शॉर्ट तीन रिस्क है प्रायोरिटी दे दी आपने कि पहले मैं कॉम्प्यूटर वाला सेट सेट ऑफ करूँगा फिर मैं टेक्नोलॉजी वाला सेट ऑफ करूँगा और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखूंगा ये तीन चीज़ें मैं बाद में करूँगा कुछ लोग पॉलिसी को पहले रखेंगे बाद में टेक्नोलॉजी रखेंगे बाद मतलब अपने हिसाब से प्रायोरिटी दीजिए रिस्क को तो पहले आप रिस्क को जानिए उसके बारे में सब कुछ माहिती इकट्ठे करिए और जितना ज़्यादा रिस्क रिस्की है उसको उतना आगे सॉल्व करिए मतलब जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है जो हमें ज़्यादा असर करेगा उसको आप पहले सॉल्व करिए क्योंकि वो काफ़ी करीब आ चुका है आपके तो आप प्रायोरिटी दीजिए कौन सा रिस्क ज़्यादा नज़दीक है उस हिसाब से आप रिस्क को सॉल्व करिए चलिए प्रायोराइट कर दिया आपने अब क्या करना है आपको रिस्क

जैसे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं दो उनको हराने के लिए आपके पास क्या है क्या आपके पास कोई रिसोर्स है अगर है तो इस्तेमाल करिए मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही उसके सामने कैसे लड़ोगे क्या आपके पास कोई साधन संपत्ति है रिसोर्सेज है या कोई आइडिया है तो आप उसको इस्तेमाल करिए क्या आपको गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ कोई आइडिया है लड़ने के लिए तो उसको इस्तेमाल करिए ये अपने पास जो भी रिसोर्सेज हो रिसोर्स मतलब ऐसा नहीं फिज़िकल मेंटली भी हो सकता है ये कोई साधन संपत्ति हो सकती है कोई आइडिया हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है ये तो आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ करिए जैसे कि कॉम्पिटिटर आए मार्केट में तो मेरे पास मुझे ऐसा लगता है समझो कि मैं मिस्टर एक्स होता तो मैं क्या करता पता है मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मैं ऑफ़र देता बाय वन गेट वन या फिर उनको बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट या तो उधारी में सामान बेच देता दो महीने बाद पैसे चुकाना कोई बात नहीं क्यों अगर मैं सबको माल बेच दूँ क्लियर समझो आप मार्केट में कस्टमर्स बहुत सारे हैं मैं सबको अभी से ही प्लेट दे दूँ तो वो लोग को दो महीने तक प्लेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दो महीने तक वो खाली बैठे रहेंगे दोनों कॉम्पिटिटर और उतना ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा वो बिजनेस बंद करके चले जाएंगे मार्केट को उनके आने से पहले ही आप कैप्चर कर लो क्लियर yeah, तो ये तरीका होता है एक बिजनेसमैन मैन ये सोचता है कि उनका उनके पास जो रिसोर्सेज है ना उसका अच्छे से इस्तेमाल करो देखिए वो लोग तो अभी सेट हो रहे हैं पर मैं तो पहले से सेट हो चुका हूँ मेरी मशीनरीज चल रही है मैं दिन रात प्रोडक्शन करूंगा फटाफट 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 फटा 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 बंद करूंगा ही नहीं पहले तो मैं ब्रेक ले लेके प्रोडक्शन करा रहा मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन करूंगा दो मजदूर और लगा दूंगा और मार्केट में इतनी प्लेट सप्लाई कर दूंगा कि कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फीड प्लेट की एक दो महीने तक और वो सब अपनी दुकान में बैठे बैठे मक्खी मारे गए तो मैंने मेरे रिसोर्स का इस्तेमाल किया मेरे पास जो चीज़ें पड़ी है ना मशीनरीज मैन पावर सबका इस्तेमाल करके उनको हटा दिया अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी आ रही मार्केट में क्या किया जाए तो मैंने डील कर दी किसी के साथ कि देख अगर मतलब मैं, मैं कोई कंपनी के पास गया टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के पास और जाके मैंने अभी से डील कर दी कि जिस दिन तेरी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होगी वो मशीन मेरे यहाँ पे रख देना और मेरी पुरानी मशीन एक्सचेंज में लेके जाना क्लियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर दिया चलो मतलब टेक्नोलॉजी वाला रिस्क भी मैंने सॉल्व कर दिया थोड़ा पैसा मेरा खर्च हुआ लेकिन कोई बात नहीं मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई जो मुझे ज़रूरी है अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तो मैं सिंपल सी चीज़ है गवर्नमेंट को ख़रीद लो आप ख़रीद लो इन सेंस वॉट आप उसको फंडिंग करना चालू कर दो क्योंकि आप गवर्नमेंट को फंडिंग करोगे तो गवर्नमेंट आपको संभाल लेगी तो बहुत सारे तरीके होते हैं रिस्क को कंट्रोल करने के एक बिज़नेस जो होता है ना वो अपने रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज़ करता है क्लियर ताकि उसके ऑब्जेक्ट जो है एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका बिज़नेस चलना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए वेल्थ होनी चाहिए ये कब होगा जब उसके बिज़नेस में रिस्क नहीं होगा और रिस्क आता है तो उसको हटा देगा तब जाके वो अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएगा एक अच्छा बिजनेसमैन अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है आने वाले रिस्क को हर तरीके से हटा सकता है कैसे हटा सकता है अपने रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट अगर जो बिजनेसमैन रिस्क मैनेजमेंट करना चाह जानता हो तो उसका बिजनेस कभी भी डूब सकता नहीं है क्लियर तो अब समझिए डेफिनेशन को अब और क्लियर हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट मीन्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड प्रायोराटाजेशन ऑफ रिस्क फॉलोड बाय कॉर्डिनेटिंग एंड इकोनॉमिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप रिसोर्स को कॉर्डिनेट करिए अप्लाई करिए किसके लिए विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट जो रिस्क है उसकी इम्पैक्ट को हटाने के लिए या कम करने के लिए और उसमें से अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए टू मैक्सीमाइज़ द रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी जो नेगेटिव चीज़ हमारी तरफ आगे बढ़ रही है उसको ख़त्म कर दीजिए और वो आते आते हमारे तक पॉजिटिव हो जानी चाहिए मतलब जैसे कि देखो कॉम्पिटिटर वाला रिस्क था और मैंने उसको तोड़ दिया पूरा उनके दोनों बिजनेस को डुबा दिया मैंने वो चले गए चले गए तो क्या हुआ मार्केट में मेरी और इमेज बढ़ गई कि इसको तो कोई टक्कर नहीं दे सकता तो देखिए जो चीज़ मेरी तरफ नेगेटिव होकर आ रही थी वो आते आते मेरे लिए तो पॉजिटिव हो गई मेरा नाम भी मार्केट में अच्छा हो गया बड़ा हो गया क्लियर कि भाई इसको कोई नहीं हरा सकता मार्केट में अब तक तो सिर्फ मुझे लोग प्लेट वाला समझते थे अब मुझे लोग बड़ा प्लेट वाला समझते हैं कि भाई इसको कोई नहीं हरा सकता तो रिस्क आते आते मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी बन गया क्लियर तो आप समझिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी रिस्क आपकी तरफ बढ़ रहा है उसको आप समझिए जानिए और उसके सामने ऐसे लड़िए अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके ऐसे लड़िए कि वो रिस्क ही खत्म हो जाए और सिर्फ रिस्क ख़त्म ना हो वो अपने तक आते 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 हमारे लिए ही वो पॉजिटिव बन जाए वो हमारे लिए रिस्क के बदले अपॉर्चुनिटी बन जाए एंड दैट इज़ वॉट कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क मैनेजमेंट मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट एंड प्रायोराइटाजेशन ऑफ एं रिस्क फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड एंड इकोनॉमिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सिज विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजेशन और मिनिमाइजिंग द प्रॉबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट और टू मैक्सिमाइज द रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्लियर तो आप एक चीज तो समझ गए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट यानी क्या क्लियर आई होप सो की रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी दो मार्क में आपको पूछ सकते वॉट यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए नीचे आप अपना एक एग्ज़ाम्पल भी सेट कर सकते हो अगर देना चाहो आप लॉजिकली तो जैसे मैंने आपको दिया कि मेरे बिजनेस में मुझे तीन तरीके के रिस्क आते हुए दिख रहे हैं एक तरफ कॉम्पिटिटर आगे बढ़ रहा है एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है तो मैंने सोचा कि भाई मेरे लिए तीनों को फेस करना ज़रूरी है तो मैंने तीनों को नंबर दे दिए पहले मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा फिर ये फिर ये फिर मेरे पास जितने भी रिसोर्स थे उसका इस्तेमाल करके मैंने तीनों को हरा दिया और आज वही रिस्क मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन चुकी है क्यों कॉम्पिटिटर बचे नहीं है सारे कस्टमर मेरे हो चुके हैं टेक्नोलॉजी मैंने डील कर दी नई टेक्नोलॉजी मेरे पास ही आएगी सबसे पहले गवर्नमेंट को मैंने अपने फ्रेंड बना दिया है उसको फंडिंग दे के मतलब गवर्नमेंट भी मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी तो दिस इज़ वॉट कॉल रिस्क मैनेजमेंट आप ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए नीचे ताकि आपका आंसर आराम से आधा या एक पे जितना हो जाए क्लियर और एग्जामिनर को भी कुछ अच्छा मिले कंटेंट बुक के अलावा कुछ नया क्लियर कि जिससे उसको भी लगे कि हाँ भाई आंसर में प्रैक्टिकलिटी है सिर्फ रट्टा मारा हुआ डेफिनेशन मत लिखिए आप उसको जितना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करोगे इट विल बी गुड फॉर यू इन एग्जामिनेशन तो देखिए बेटा हमने दो क्वेश्चन अब तक देखे सबसे पहला तो हमने देखा वॉट यू मीन बाय रिस्क एंड इट्स टाइप्स दो मार्क में आपको पूछ सकते हैं कि भाई रिस्क क्या और उसके टाइप कितने होते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमने देखा वॉट यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट तो आई होप सो यहाँ तक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हुए हो गए अगर ना हो तो बेटा आप कमेंट करिए और एक चीज़ खास याद रखिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए खास क्योंकि आपकी ज़रूरत है हमें आपके सपोर्ट की और हो सके उतना ज़्यादा चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हम रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो तो समझ चुके हैं कि भाई जो भी आ, गलत चीज़ें मतलब जो भी ख़राब चीज़ है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है वो आपकी तरफ आगे बढ़ रही है उसे हम कहते हैं रिस्क और उसको हम कम करने के लिए जो करते हैं हमारी तरफ से जो कोशिशें करते हैं उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट तो क्यों हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है क्या हमें मज़ा आ रहा है क्यों क्यों ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या बिजनेस नहीं चल सकता तो एक्चुअल में नहीं चल सकता तो क्यों हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो चीज़ें हम समझते हैं जैसे कि पॉइंट नंबर वन टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड रिपोर्ट टू द टॉप लेवल भाई रिस्क मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं क्यों हमारी कंपनी में देखिए हर एक कंपनी में ना कोई ना कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना होता है जैसे रिलायंस कंपनी है रिलायंस में फिनांस डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है क्लियर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें से उनका एक डिपार्टमेंट पक्का होगा जो रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है मतलब उनको कुछ काम नहीं करना है बस उनके उनको क्या करना है उनको मार्केट की मूवमेंट को समझना है वो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ पूरा दिन एक ही काम करते होंगे मार्केट के मूवमेंट को समझ रहे होंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है कस्टमर ने कैसा बिहेव किया हमारा मार्केट शेयर कितना है मार्केट में क्या नया आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंज आया तो पूरा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा जो यही सब काम करेगा तो ये लोग क्या करते हैं तो ये लोग रिस्क को समझते हैं आने वाले रिस्क को वो एनालाइज करते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट है पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग होंगे जो मार्केट की मूवमेंट को समझ रहे होंगे वो मूवमेंट को एनालाइज़ करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है और उस हिसाब से अंदाज लगा के उनको पता चल जाएगा कि आने वाले दो दिन में या आने वाले दो महीने में बहुत बड़ा रिस्क हमारी तरफ बढ़ रहा है आगे और वो तुरंत क्या करेंगे रिपोर्टिंग कर देंगे किसको टॉप लेवल को कि भाई ऐसा रिस्क हमारी तरफ आगे आ रहा है नक्की करिए अब हमें करना क्या है क्लियर रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही होता है जो पर्सन रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है या जो टीम रिस्क मैनेज देखिये छोटा बिजनेस होगा तो एक ही बंदा रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होगा बड़ा कंपनी जैसा कोई बिजनेस होगा तो डिपेंड्स पांच दस पंद्रह सौ लोग भी हो सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट की टीम में तो ये लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है उनका सबसे पहला काम क्या होता है जो लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो भी रिस्क आ रहा है उसको जान लो और तुरंत किसको रिपोर्ट करो टॉप लेवल को रिपोर्ट करो जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या उनके जो भी ऊपरी अधिकारीज है मतलब जिनके पास अथॉरिटीज है आप अपनी अथॉरिटीज को समझा दो सब कुछ उनको बता दो रिपोर्ट कर दो उनको कि भैया ऐसा सब कुछ आ रहा है हमारी तरफ हमारी कंपनी में बहुत बड़ा रिस्क हमें फेस करना है फ्यूचर में हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है किसका वो टीम का जो रिस्क मैनेजमेंट कर रही है अब उनका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है दूसरा काम क्या होता है उनका टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिस्क अब जो रिस्क आ रहा है उन्होंने मैनेजमेंट को तो इतला कर दिया मतलब उनको बता दिया कि भाई रिस्क आ रहा है मैनेजमेंट ने भी उनको परमिशन दे दी कि आपको जो करना है करो बस वो रिस्क हम तक पहुंचना नहीं चाहिए अब ये टीम काम पे लग जाएगी अपने तरीके से हर एक रिसोर्सिस को वो यूज़ करेंगे जैसा रिस्क क्लियर जैसे मैंने आगे भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी रिस्क हो सकता है कॉम्पिटिटर वाला रिस्क भी हो सकता है टेक्नोलॉजी वाला रिस्क भी हो सकता है गवर्नमेंट uh, पॉलिसी वाला रिस्क भी हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी वाला भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है तो ये टीम क्या करेगी इनका दूसरा काम क्या है उस रिस्क को कम करना ऐसे अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करो ये वो रिस्क हमारे तक पहुंचे ही नहीं और इनकेस पहुंच भी जाए तो उसकी इफेक्ट हम पे ना हो जितना हो सके उतना उसको रोकने की कोशिश करो अपना दिमाग लगाओ अपना पैसा लगाओ जो कर सकते हो करो बस कंपनी लॉस में नहीं जानी चाहिए यह उनका ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए तो आपको रखा है तो ये हुआ उनका दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट उनका क्या होता है टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ यही नहीं करता कि बस उसको रोक दो देखिए आपका एक बचपन का एग्जाम्पल लेते इसको समझने के लिए बचपन में हम लोग जनरली लड़ते थे चाहे वो फीमेल हो या मेल हो लेकिन लड़का लड़की कोई भी हो सबके ग्रुप होते थे बड़ा सब एक ग्रुप में रहते थे मतलब लड़कों का ग्रुप होता था ए बी सी डी जो भी हो लड़कियों में भी ग्रुप होता था ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप और ये ग्रुप अंदर अंदर लड़ते थे खासकर लड़कों में ज़्यादा देखने मिलता है कि गैंग बना के जाएंगे एक दूसरे को मारने के लिए अब समझो कि एक दो ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे अब हमें पता है कि सामने वाला बहुत ताक़तवर है तो भी हमारी टीम जोश में आएगी और पूरा लड़ने की कोशिश करेगी अगर लगे कि हम लड़ने में जीत रहे तो और डबल फोर्स से लड़ेंगे मतलब सामने वाले को बहुत मारेंगे पहले हमारा प्लान का था कि भाई सामने वाली टीम बहुत मजबूत है संभाल के रहना मौका मिलने पे भाग जाना अगर मार खाने की बारी आए तो निकल जाना वहां से अपनी जान बचाओ और निकलो यहां से ये फाइटिंग का पहला नियम होता है कि जब लड़ रहे हो तो पहले खुद को बचाना और जब लगे कि हमारी टीम भारे है तो भागना मत डबल जोर से मारना क्योंकि सामने वाला हार रहा है ये हर एक ग्रुप में होता है बरो ना फिर तो वो लल्लू पंजू लोग भी मारना चालू कर देंगे अगर आपकी टीम जीत रही होगी तो तो सेम वे कंपनी में भी यही करना है रिस्क मैनेजमेंट को रिस्क मैनेजमेंट की टीम डर चुकी है टोटली के सामने बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है लेकिन वो लोग मिलके काम करेंगे उस रिस्क को कम कर देंगे एकदम खत्म कर देंगे कम क्या खत्म ही कर देंगे और जब रिस्क खत्म हो जाता है ना तो वही रिस्क हमारे लिए क्या बन जाता है अपॉर्चुनिटी बन जाता है जैसे मैंने आगे के एग्जाम्पल में बताया था जैसे मेरे सामने मैं प्लेट बेच रहा हूं मेरे मार्केट में और दो कॉम्पिटिटर नए आ गए अब ये तो मेरे लिए रिस्क है तो मैंने क्या किया इतना प्रोडक्शन कर डाला मार्केट में पहले से ही सबको प्लेट मिल गई अब प्लेट मिल गई तो तो ये लोग तो टिकी नहीं पाएंगे मतलब मेरा रिस्क कम हो गया मेरा रिस्क खत्म हो गया वो दोनों मार्केट के बाहर चले गए हार मान के रिस्क गया फिर से मैं मार्केट में अकेला हो गया अब मैंने उसका फायदा उठाया मैंने मेरे प्लेट के भाव बढ़ा दिए क्यों कोई है ही नहीं मेरे सामने टिकने वाला कस्टमर जख मार के लेगा क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जियो ने यही तो किया था स्टार्टिंग में फ्री में सबको सिम कार्ड बांटे सबने ले लिए अपनी पुरानी कंपनियों को बंद कर दिया और फिर फिर उसने भाव बढ़ा दिए डबल पैसा वसूल कर लिया मार्केट में पहले मार्केट में सौ सौ रुपए के रिचार्ज होते थे अब तो छे सौ छ सौ के रिचार्ज होते हैं करो जख मार के करो क्यों पहले फ्री में यूज किया था तो इसे कहते हैं जियो के सामने पहले रिस्क था और आज वही रिस्क उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन चुका है और वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि 50 परसेंट मार्केट जियो कवर करके बैठा है कोई नहीं हरा सकता उसको आज की तारीख में आज की तारीख में क्या पता फ्यूचर में कुछ नया हो तो यही चीज क्या करनी है रिस्क मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्ट होता है कि रिस्क तो कम करना ही करना है लेकिन उस रिस्क को आपको बेनिफिट में कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट लेना है पूरा फायदा उठाना है वही उनका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है उस टीम का चौथा ऑब्जेक्ट क्या होता है टू रेंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब देखिए जरूरी नहीं है कि वो अब रिस्क मैनेजमेंट टीम सक्सेसफुल हो रही ये तो हम सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल ही हो जरूरी थोड़ी ना है कंपनियां ऐसे ही थोड़ी ना डूबी है कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट की टीम बहुत लेट हो जाती है और वो रिस्क पूरी कंपनी को लेकर डूब जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट को यह सिखाया जाता है कि आप लड़ो एंड तक लड़ो क्यों पता है क्योंकि कंपनी बंद होगी ना तो सिर्फ एम्प्लॉय को नुकसान नहीं होगा कंट्री को भी नुकसान होगा क्यों गवर्नमेंट को टैक्स आना बंद हो जाएगा प्लस एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा उनकी सैलरी बंद हो जाएगी वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे हमारे सप्लायर को भी नुकसान होगा क्यों हम उसके पास से रॉ मटेरियल खरीदते थे उसका धंधा हमसे ही चल रहा था अब उसका धंधा भी बंद हो जाएगा हम जिसको बेच रहे थे उसको सप्लाई बंद हो जाएगी पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है हमारे इन्वेस्टर्स जिनने जिन शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर कोई भी हो जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया था पैसा उनका डूबा है उनकी सालों की मेहनत मेहनत की कमाई सब कुछ डूब गया तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ कंपनी डूबती है सिर्फ कंपनी नहीं डूबती बहुत कुछ साथ में डूबता है जब एक कंपनी बंद होती है तब तो रिस्क मैनेजमेंट को ये खास सिखाया जाता है कि आप कुछ भी हो रिस्क के सामने लड़ना क्यों क्योंकि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मत भूलना क्लियर आप लड़ रहे हो ना जैसे कि देश पे जवान लड़ते जवान को क्या है उसका परिवार तो चल ही रहा है वो ऐसा सोचने लगे कि मेरा परिवार तो खुश है मैं क्यों देश को बचाऊं तो हो गया हमारा देश कुछ नहीं होगा सुरक्षित ही नहीं रहेगा सब आतंकवादी अंदर घुसेगे अलग अलग आजू बाजू की कंट्री से पर हमारा आर्मी क्या सोचता है कि वो देश मेरी माँ है अंदर रहने वाले मेरे भाई बहन है हालांकि उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन वो लड़ता है अपनी जान भी दे देता है उसके लिए तो सेम वे रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है ना उसको पता है कि ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है ये बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है ही नोज ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स चाहे कस्टमर हो सप्लायर हो इन्वेस्टर हो शेयर होल्डर्स हो स्टेक होल्डर्स हो एवरी तो रिस्क मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है कि रिस्क को ऐसे मैनेज करो कि दूसरे किसी के ऊपर भी इफेक्ट ना आए चलो रिस्क आते आते ख़त्म तो नहीं हुआ उसकी थोड़ी तो असर हुई लेकिन वो असर सिर्फ कंपनी पे रहे ना कि कंपनी से जुड़े हुए लोगों पे असर करे तो उसे ध्यान में रखना है जो भी रिस्क मैनेजमेंट वाली टीम होती है ना वो सबसे पहले तो रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश करती है अगर खत्म ना हो सके ना तो उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करती है ताकि वो रिस्क जो है वो अपने तक ही सीमित रहे और बड़ा रिस्क ना बने और कंपनी ना डूबे क्लियर तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट और भी है ये चार ऑब्जेक्ट आई होप सो क्लियर हुए होंगे आपके माइंड में अगर ना पता चला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहां कि क्या डाउट है आपके चलिए बेटा फिर आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रिवेंट द रिस्क From असेसिंग सीरियस डायमेंशन अब देखिए जो रिस्क है ना वो बहुत आने ही वाला है आपकी तरफ एक रिस्क आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा लाइफ में रिस्क हमेशा आएगा क्लियर वैसे ही बिजनेस जैसे हमारी लाइफ अनसर्टन है लाइफ में मुसीबतें आती ही रहती है हम मुसीबतों के सामने लड़ते हैं तो सेम वे बिजनेस में रिस्क आता ही रहेगा तो रिस्क आए ना तो उसको पहले ही ख़त्म कर दो प्रिवेंट द रिस्क फ्रॉम असेसिंग सीरियस डायमेंशन वो बहुत बड़ा रूप ले ले और आपको खत्म कर दे आपके बिजनेस को खत्म कर दे उससे पहले आप उसको ही खत्म कर दो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम है उनका ऑब्जेक्ट होता है कि भाई जो भी रिस्क हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है उसको हम पहले ही खत्म कर देंगे कहते हैं ना कोई बीमारी हो तो बीमारी को स्टार्टिंग में ही खत्म कर दो ताकि वो बड़ा रूप ना ले तो उसी तरीके से आप ध्यान रखिए प्रिवेंट द रिस्क फ्रॉम असेसिंग सीरियस डायमेंशन ये भाई बड़ा सा रूप धारण करे कंपनी को खत्म कर दे उससे पहले ही आप रिस्क को ख़त्म कर दो वो मुझे मारे उससे पहले मैं ही उसको मार दूँगा बात तो ही खत्म तो यही होता है ऑब्जेक्ट किसका वो रिस्क मैनेजमेंट की टीम का देन आफ्टर टू शिफ्ट द फिनेंशियल लॉस टू द थर्ड पार्टी अब ये जो मैं रिस्क मैनेजमेंट टीम है ना वो बहुत ही शार्प माइंडेड होती है मतलब अपनी तरफ जो रिस्क आ रहा है ना उसको ख़त्म कर देते हैं उसमें से वो फ़ायदा ले लेते हैं वो तो हम समझ गए लेकिन वो बचा हुआ रिस्क जो है ना वो दूसरी कंपनी पर डाल देते हैं ताकि वो कंपनी मुसीबत में पड़ जाए लेकिन हम भी यही करते हैं कि कोई फाय कहते ना कोई आके पूछे राम कौन है तो क्या बोलते हैं कुछ देना है तो मैं हूँ कुछ लेना है तो ये है उससे ले लो जो लेना है पता चला तो सिंपल सी चीज़ है हम इंसान ऐसे ही है कि भाई खुद का रिस्क तो कम कर देंगे और जो रिस्क बचा है ना वो दूसरे पे डाल देंगे ताकि हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर डाल देंगे ताकि हमें भी फायदा हो गया बोलते ना वो कहावत नहीं है लाठी भी मर गई मतलब क्या बोलते सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी या तो चिट ची, चिट भी मेरी पट भी मेरी ये सब कहावत ऐसे ही नहीं बनी है ये रिस्क मैनेजमेंट की टीम का ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि अपनी कंपनी को तो रिस्क से बचाना ही है और वो जो रिस्क है ना तो दूसरी कंपनी की तरफ डायवर्सिफाई कर दो जैसे कि यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया था आगे कि प्लेट बनाने वाली कंपनी बना रहा हूं दो जन मार्केट में नए आ गए तो मैंने क्या किया इतना सारा प्रोडक्शन करके मार्केट में पहले से ही प्लेट से भर दिया मार्केट को तो वो दो दो जन चले गए अब मेरा काम उनको खत्म करना नहीं था मेरा काम था मेरे मार्केट को मुझे बचाना है मेरे कस्टमर कहीं जाने नहीं चाहिए पर इनडायरेक्टली मैंने उनको भी अफेक्ट कर दिया उनको भी मार्केट से बाहर फेंक दिया मतलब जो रिस्क आपकी तरफ आ रहा है अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हो अपने लिए फायदे में कर देते हो तो ऐसा मत भूलना कि रिस्क चला गया रिस्क अपना रास्ता मोड़ देता है और दूसरे कॉम्पिटिटर को जाके अफेक्ट करता है तो जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम है वो बहुत शार्प तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाती है और अपनी पॉलिसी ऐसे फ्रेम करती है कि वो रिस्क अपने लिए तो बेनिफिट बन जाता है लेकिन कॉम्पिटिटर की तरफ वो आगे बढ़ जाता है मतलब हमें दो गुना फ़ायदा हो जाता है हम तो बच ही गए हमें तो फायदा हो ही गया लेकिन सामने वाला भी हार गया लेर तो ये चीज़ें होती है कंपनियों में ऐसी राइवलरी हमें देखने मिलती है और ये सब कुछ कौन संभालता है रिस्क मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो संभालती है वो उनका ऑब्जेक्ट है क्लियर जो रिस्क मैनेजमेंट है नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द कंपनी ये उनका खास काम है देखिए रिस्क हमेशा है अभी डायलॉग भी बहुत अच्छा चल रहा है रिस्क है तो इश्क है क्लियर यही चीज़ चल रही मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न हम कॉमर्स में पढ़ते ही है ये हमारा बेसिक एक नॉलेज कह सकते हो या बेसिक एक स्लोगन कह सकते हो कॉमर्स का हाई रिस्क हाई रिटर्न आप जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा कमाओगे क्लियर नो डाउट डूबने के चांस भी उतने ही लेकिन कमा गए तो दो चार पाँच दस गुना भी कमा सकते हो रातों रात चांदी लग जाएगी आपकी ऐसा समझ लीजिए आप तो कहने का मतलब ये है जो रिस्क आपकी तरफ आ रहा है आप उसको फेस करिए उसके सामने लड़िए उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करिए तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो रिस्क आप जब कम करोगे ना और वही रिस्क जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा तो वो जो रिस्क है ना वो डबल रिटर्न आपको देके जाएगा क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है उनका काम यही होता है कि जो रिस्क आ रहा है ना उसको हम नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे उसको हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे और उसमें से हम कंपनी की वैल्यू बढ़ाएंगे एप्रिशिएट करेंगे क्लियर तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का काम ऑब्जेक्ट होता है उनका ये नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी कंपनी का मिशन विजन क्या होता है सिंपल प्रॉफिट करना वेल्थ बढ़ाना प्रोडक्शन बढ़ाना कस्टमर ज़्यादा होने चाहिए सेल्स बढ़ाना ये सब कंपनी के मिशन होते हैं विजन क्या होता है कि कंपनी एक्सपांड होगी उनकी वेल्थ बढ़ेगी ये उनका विजन होता है फ्यूचर में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे इंटरनेशनल कंपनी बन जाएंगे अब ये सब के लिए मेहनत कौन करता है तो ये सब के लिए मेहनत करने के लिए अलग टीम होती है जिसे हम कहते हैं जनरल मैनेजमेंट कमेटी जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो पूरा दिन रात यही मेहनत करते हैं कि कैसे कैसे काम करें कि हमारा मिशन अचीव हो हमारा विजन हमारे विजन भी अचीव हो जाए हमें दोनों अचीव करना है मिशन विज़न सब कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो तो सर इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या कर सकती है ये जो मिशन है ये जो विजन है आसानी से मिलने वाले नहीं है बहुत सारे रिस्क बीच में आएंगे और वो रिस्क को हराने के लिए कौन आएगा रिस्क मैनेजमेंट आएगा क्लियर तो कंपनी के मिशन और विजन को अचीव करना हो ना तो सिर्फ जनरल मैनेजमेंट कमेटी काम नहीं आ रही उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी चाहिए डिपार्टमेंट चाहिए जो अपना काम करेगा वो हर एक बीच में आने वाली चीज़ों को हटाएगा हर एक हडल जो बीच में आ रहा है मुसीबतें बीच में आ रही है हर एक रिस्क जो बीच में आ रहा है वो उसको मैनेज करेगा उसको हटाएगा उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा और कंपनी को धीरे 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 करके अपने मिशन और विजन की तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा वो जो राजा महाराजा सिपाहियों को आगे करते हैं बर उसको कमज़ोर मत समझिए सिपाही है जो जीतने में मदद करेगे क्लियर तो यही चीज़ रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कि कंपनी को जो मिशन अचीव करना है कंपनी को जो विजन अचीव करना है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट भी है हम कंपनी को हेल्प करेंगे कंपनी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्लियर तो रिस्क मैनेजमेंट का काम ये भी है उनका ऑब्जेक्ट ये एक भी है नेक्स्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ये खास उनका ऑब्जेक्ट है ये जो टीम बनाई है रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनके दिमाग में एक ही काम चलता है वो एक ही चीज़ चलती है क्या कि हमें ऐसे रिस्क को मैनेज करना है कि रिस्क हम तक कभी पहुँचे ही नहीं और हमारी कंपनी जो है वो सालों साल चलती रहे वो उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि उनकी जॉब भी उनके ऊपर ही डिपेंड करती है क्लियर वो कैसे चलाते हैं कंपनी को तो अगर वो जितना रिस्क कम कर देंगे कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी तो रिस्क मैनेजमेंट करने वाले का और एक ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी हमेशा लंबे समय तक चले वो अपने टैलेंट का भरपूर यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज का स्किल का सब कुछ और कंपनी को लॉन्ग टर्म चलाने में हेल्प करते हैं तो दीज ऑल आर द सर्टन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यही कारण और सर हम क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो ये आपको सेवन मार्क्स के क्वेश्चन में फ्रॉम द एम कॉम आई एम टेलिंग यू कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं आपको सेवन मार्क्स दूसरी एग्जाम में कोई प्रोफेशनल एग्जाम होगी तो उसमें उस हिसाब से मा वेटेज होगा कोई एग्जाम चार मार्क में आएगा कोई पाँच जगह पाँच मार्क में भी आ सकता है तो आप आंसर कैसे लिखिए देखिए क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो डायरेक्टली आंसर मत लिखिए सबसे पहले आप क्या करिए डेफिनेशन लिख दीजिए रिस्क मैनेजमेंट की या तो आप एक काम करिए पहले तो रिस्क की डेफिनेशन लिखिए फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखिए मतलब आपका दस लाइन जितना हो गया अभी भी एक पेज में बीस तीस लाइन बीस बीस लाइन जितना खाली होगा थर्टी लाइन्स का एक पेज होगा ऐसा अप्रॉक्सीमेटली हम गिनते हैं तो आप रिस्क की डेफिनेशन लोग लिखोगे रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखोगे आपके दस लाइन जितना हो गया बाकी की बीस लाइन में एक बॉक्स बना दीजिए बड़ा सा बॉक्स का हेडिंग दे दीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और उसके अंदर सारे पॉइंट लिख दीजिए वन बाय वन भाई इतने ऑब्जेक्ट होते हैं टोटल यहाँ पे नाइन ऑब्जेक्टिव्स है आप और भी ऐड कर सकते हो अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट आता है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करिए सभी पॉइंट को बॉक्स खत्म होने का मतलब एक पेज तो आपका उसका ही हो गया दो डेफिनेशन और पूरे बॉक्स में सारे एक एक लाइन छोड़ के पॉइंट एक पेज हो गया आपका फिर आप वन बाय वन हर एक पॉइंट को दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए आपका आंसर आराम से तीन पेज के आसपास हो जाएगा एंड दैट इज इनफ फॉर सेवन मार्क्स और दस मार्क में आए तो फिर उस हिसाब से और थोड़ा खींचिए एक्सप्लेन करिए क्लियर तो आप अपने वेटेज के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करिए तो आई होप सो कि बेटा ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एज यूजल और खास एक चीज़ याद रखिए बेटा जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दैट विल बी गुड फॉर अस बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में तो आपका सपोर्ट भी होना ज़रूरी है इट इज़ योर चैनल इट सेल्फ चलिए बेटा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दैट इज़ नेचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अब नेचर को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो या फीचर्स भी कह सकते हो या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो क्लियर दिज ऑल आर द सिनोनिम्स फॉर नेचर क्लियर हम कहें तो उसके तत्व क्लियर कि भाई तत्व क्या है उसके या फिर कैरेक्टर क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या तो नेचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भाई रिस्क मैनेजमेंट जैसे हम ह्यूमन कैरेक्टर की बात करें लक्षण कहते हैं उसके तत्व या लक्षण आप कुछ भी कहो ह्यूमन बॉडी के लक्षण क्या है उसके कैरेक्टर क्या है तो हमारे दो हाथ है दो पैर है हम बोल सकते हैं हम सूंघ सकते हैं हम खाना खा सकते हैं हमारे पास ब्रेन है ये सब ह्यूमन कैरेक्टर है तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है ये पूरी एक्टिविटी जो हो रही है ये एक, एक एक्टिविटी है अपने आप में एक प्रोसेस है अपने आप में तो इस प्रोसेस के कैरेक्टर क्या है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है नेचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो चलिए समझते हैं वन बाय वन एक एक कैरेक्टर को फर्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस सबसे पहला कैरेक्टर है ये कि ये अपने आप में एक प्रोसेस है और ये ऐसी प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी लाइफ में क्या कभी कोई मुसीबत बंद होती है कभी नहीं होती एक खत्म होती है ऊपर से दो खड़ी हो जाती है कि ये भी है वो भी है दो खत्म करते चार आ जाती है फिर हम अपनी लाइफ को कोसते यार कैसी लाइफ दी है मुझे भगवान ने उससे अच्छा तो मुझे मार देता तड़पा तड़पा के मार रहे। लेकिन सबकी लाइफ में यही है लेकिन हम कभी हार नहीं मानते हम लड़ते हैं जितनी मुसीबतें बढ़ती है हम उतने फोर्स के साथ लाइफ में लड़ते हैं और बहुत कुछ उसमें से हम सीखते भी हैं और धीरे धीरे हम मैच्योर होने लगते हैं तो सेम वे बिजनेस में भी यही होता है बिज़नेस में एक रिस्क आया वो ख़त्म हुआ दूसरा रिस्क आएगा तीसरा चौथा कभी कभी तो दो तीन रिस्क एक साथ आ जाएंगे लेकिन बिजनेसमैन हमेशा डटा हुआ रहेगा आपके पेरेंट्स या आप कोई भी बिज़नेस कर रहा होगा आप डटे हो उसके लिए मार्केट में टिके हो सिंपल सी चीज़ है तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है और वो भी कैसी कंटिन्यूस प्रोसेस क्योंकि रिस्क कभी बंद नहीं होने वाला और आप कभी हार मानोगे नहीं क्लियर सामने वाला कुछ भी करे मैं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो मैं मेरे बिजनेस को डूबने नहीं दूंगा तो इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस एंड दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस क्लियर जहाँ पे हम कभी रुकने वाले नहीं है क्योंकि रिस्क कभी बंद नहीं होने वाला नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस देखिए हम उसके सामने लड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है क्यों लड़ रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस डूब ना जाए ये हमारा मेन कारण है क्लियर डूबे नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है देखिए हर बार रिस्क मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्ट एक ही नहीं होता जैसे कि मैं पे दो तीन एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो और क्लियर होगा मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई अगर मैं नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं, नहीं करूँगा तो मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाऊँगा जितने दूसरे लोग करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होता जाएगा और मेरे कस्टमर कम होते जाएंगे क्योंकि दूसरे लोग तो फटाफट मैन्युफैक्चर करेंगे नई मशीनरीज के साथ और मैं आउटडेट होता जाऊंगा मार्केट में से और मेरी कंपनी डूब जाएगी तो मुझे क्या करना है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर देना है ताकि रिस्क खत्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर क्या किया रिस्क को मैनेज कर दिया नई टेक्नोलॉजी के साथ अब यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या था मेरी कंपनी बंद नहीं करनी है मुझे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए नए अब नए कॉम्पिटिटर आने से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा बिजनेस काफ़ी पुराना है हाँ शायद ऐसा हो कि मेरे कुछ कस्टमर्स कम हो जाए लेकिन मेरा बिजनेस तो डूबने वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस कॉम्पिटिटर को मार्केट में से कैसे हटाना है उसकी कोशिश करूंगा और फटाक से ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा जो फटा धीरे 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 मार्केट में से वो बाहर हो जाए क्योंकि मैं बहुत बड़ी मछली हूँ मैं छोटी मछलियों को आने ही नहीं दूंगा छोटी मछली आएगी तो बड़ी होगी ना मैं आने ही नहीं दूंगा उसको अब यहाँ पे मेरा बिजनेस कार्ड उभरा था पर फ्यूचर शायद ऐसा हो सकता था ये सोच के मैंने आज ही रिस्क को कम कर दिया तो ज़रूरी नहीं है हर एक रिस्क को जब आप मैनेज करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है समझो कि गवर्नमेंट है अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ मतलब मैं उसको फंडिंग करता हूँ तो वो पॉलिटिकल पार्टी मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करती है मेरे पे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाती मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो तुरंत अप्रूव कर देती है उसको मुझे कोई परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से मुझे तुरंत मिल जाती है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को मैं फंडिंग कर रहा हूँ अब समझो कि पॉलिटिकल पार्टी बदल गई दूसरी पार्टी आ गई तब वो लोग मुझे परेशान करेंगे क्योंकि वो अब तो मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं उनको भी सपोर्ट करना चालू कर दूंगा ले भाई तू भी पैसे पकड़ ताकि मैं परेशान ना हो ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके बिज़नेस को बंद कराने की कोशिश नहीं करेगी आपको परेशान करेगी वो तो क्यों परेशान हो जाओ मैं ले तू भी पैसा पकड़ पैसे सब सब कुछ होता है तो तब यहाँ पर रिस्क कुछ और था और मैंने अलग तरीके से उसको मैनेज किया तो ज़रूरी नहीं हर बार बिजनेस बंद ना हो उसके लिए मैनेजमेंट हो कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट होता है तो जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना जो प्रोसेस होती है हर एक रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस का ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है यहाँ पे मैंने आपको तीन ऑब्जेक्ट दिखाए तीन एग्जाम्पल दिखाए और तीनों में मैं रिस्क मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ लेकिन तीनों में, में मेरे ऑब्जेक्ट अलग अलग है उसके पीछे के कारण अलग अलग है हाँ लेकिन कोई ना कोई कारण ज़रूर है बिना कारण का रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं है कोई बड़ा कारण होगा कोई छोटा कारण होगा और उस हिसाब से उसका रिस्क मैनेजमेंट होगा बट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देय बिना ऑब्जेक्ट के हम काम नहीं करते क्लियर नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट कैरेक्टर इज द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ एथिकल वैल्यूज फिलोसॉफी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं होता क्लियर वो इंसानियत के लिए भी होता है क्योंकि मैंने जैसे आगे एग्जाम्पल बताया ना अगर एक कंपनी बंद हो गई ना तो सिर्फ कंपनी को असर नहीं होगा उसके एम्प्लॉयज़ आजू बाजू की सोसाइटी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स कस्टमर्स सप्लायर सभी को इफेक्ट करेगा तो रिस्क मैनेजमेंट एक वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी है उसके अंदर फिलॉसफी है उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर इट टेक्स ऑल उसके अंदर सारे कंसेप्ट आ जाते हैं एक एथिकल चीज़ है वो क्लियर इंसानियत के नाम पे उसको इंसानियत की नज़रिए से भी हम देख सकते हैं क्लियर ये सभी के लिए है सिर्फ़ एक दो लोगों के लिए नहीं है वो बिजनेस बंद होगा ना तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी क्यों क्यों पता है क्योंकि उनके घर पर जो सैलरी आ रही थी वो तो बंद हो गई बहुत सारा राशन आना बंद हो जाएगा तो इट कंटेंस अ तो सोशल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कंटेंस द एथिकल वैल्यू इट कंटेंस द फिलोसॉफ़ी तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ले के बैठा है तो रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है वरना रिस्क जो है वो बहुत कुछ डुबा भी सकता है नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग इज़ एसेंशियल ये भी उसका कैरेक्टर है हमने देखा था ना पहला ही कि जब भी रिस्क आ रहा है ना तो आप अपने हिसाब से चालू मत हो जाइए कि लड़ने बैठ जाओ पहले बॉस को बताओ तो सही कि ये रिस्क हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है हम क्या करें फिर बॉस आपको पूछेगा क्या कर सकते हो तो आप उनके सामने अलग अलग आइडिया रखोगे कि ये पहला आइडिया है दूसरा आइडिया है तीसरा आइडिया है तीनों में कितना पैसा लगेगा कितने रिसोर्स लगेगा वो सब आप एक्सप्लेन करोगे फिर बॉस को जो सस्ता और अच्छा लगेगा वो उसको बोलेगा इस हिसाब से काम करो और रिस्क को ख़त्म करो पर रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी क्लियर आपको राजा और सिपाही की तरह आप आगे खड़े हो आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो सिपाही लड़ने के लिए खड़ा है लेकिन सामने वाले को देख के तुरंत लड़ना चालू नहीं कर देता जब तक राजा उसको आदेश ना दे कि चलो भाई शुरू करो लड़ना तब तक वो ऐसे ही खड़े रहेंगे लेर उनको ऑर्डर देना पड़ता है इवन आर्मी में भी आप देख लो जब तक जो सुपीरियर पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं फायर तब तक कोई फायर नहीं करेगा सब होल्ड करके रखेंगे जैसे ही वो बोलेगा फायर थटासट सबकी गोलियाँ चालू हो जाएगी तो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इज ऑलवेज़ नेसेसरी जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है वो हमेशा रिपोर्टिंग करेगा कि भाई ये रिस्क आ रहा है और सिर्फ आ रहा है बोल के छोड़ दी देगा काम परमिशन मिल गई चलो रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू करो वो डेली बेस पे अपडेट देगा डेली बेस पे रिपोर्टिंग करेगा आज ऐसे हमने किया क्योंकि रिस्क आने में दस दिन का टाइम है एक महीने का टाइम है तो आप वो दस दिन क्या कर रहे हो डेली बेस पे रिपोर्टिंग होगा ताकि आपके सुपीरियर जो है उनको पता चले कि हाँ भाई रिस्क सच में मैनेज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वरना पैसा तो वेस्ट नहीं हो रहा है ना रिसोर्स तो वेस्ट नहीं हो रहे पता चला पैसा रिसोर्स सब यूज़ हो गया पर रिस्क तो आ ही रहा है आगे तो बिजनेस को दूसरी तरीके से फिर आगे चलाना पड़ेगा तो रिपोर्टिंग इज़ रिक्वायर्ड नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्स टू रिस्क रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जो रिस्क हमारी तरफ आ अब आ रहा है तो हम बैठे नहीं रहेंगे हम रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्स करेंगे देखेंगे कि उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा तो हम प्लान बी यूज़ करेंगे वो भी नहीं हुआ प्लान सी यूज़ करेंगे लेकिन हम अटकेगे नहीं या तो वो रिस्क हमें ख़त्म करेगा या तो वो रिस्क को हम ख़त्म करेंगे लेकिन हम बीच में तो छोड़ेंगे नहीं ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे प्लानिंग करेंगे अलग अलग आइडिया पे काम करेंगे और उस रिस्क को ख़त्म करके रहेंगे हम टोटल दुगने जोश के साथ उसके सामने रिस्पांस देंगे जितना रिस्क आ रहा है ना उसकी डबल फोर्स के साथ हम उसके सामने लड़ेंगे ये उसका कैरेक्टर है किसका रिस्क मैनेजमेंट का वो कभी हार नहीं मानता नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आप रिस्क के सामने लड़ रहे हो लड़ोगे कैसे पैसा लगाओगे इक्विपमेंट्स यूज करोगे बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ करेंगे और उस रिस्क को हटा दोगे जो भी रिस्क आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है जैसे टेक्नोलॉजी वाला रिस्क बढ़ रहा है तो आप पैसा लगा के नई टेक्नोलॉजी ले लो रिस्क ख़त्म हो गया कॉम्पिटर आगे आ रहा है तो आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर दो अपनी जितनी भी रिसोर्स है मशीनरीज रिस है उसको यूज़ करो बड़े कॉम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर दो मार्केट में फैला दो सारी चीज़ें कॉम्पटूटर बेच ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ही सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो आप पैसा यूज़ कर सकते हो रिसोर्स यूज़ कर सकते हो और रिस्क को कम कर सकते हो लेकिन जब आप रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो ना तो पागलों की तरह यूज़ नहीं करेगा पर अब ऐसा ना हो कि वो रिस्क दस हज़ार का है और आपने खर्चा पंद्रह बीस हज़ार का कर दिया रिस्क के सामने लड़ने के लिए क्लियर इकोनॉमिकल यूज़ करो रिसोर्स का कि भाई रिस्क समझो दस लाख का रिस्क आ रहा है हमारी तरफ मतलब वो जो रिस्क है वो हमें दस लाख का फटका पहुंचा सकता है तो आप रिसोर्स कितने यूज़ करोगे एक लाख दो लाख तीन लाख के ऐसा नहीं कि दस लाख का रिस्क आ रहा है तो दस लाख लगा दो तो फिर फर्क क्या पड़ा रिस्क से ज़्यादा खर्चा तो तूने कर दिया तो अल्टीमेटली रिस्क तो तू ही बन गया हमारे लिए तो जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो ना आप तो रिसोर्स को इकोनॉमिकली यूज़ करिए क्लियर सोच समझ के कि भाई ऐसा ना हो कि आप खुद ही रिस्क बन जाओ कंपनी के लिए उतना खर्चा कर दो नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंट्रोल इज एसेंशियल जो आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो ना उसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है क्लियर कोई ना कोई पर्सन हर एक एक्टिविटी एक पे ध्यान रखेगा जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम है समझो दस जन की टीम है तो एक तो लीडर होगा उसका जो सभी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा होगा क्यों अगर वो ध्यान नहीं देगा ना तो सब अपने हिसाब से ही रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और जब अपने हिसाब से करेंगे तो पैसा भी जाएगा, रिसोर्स भी यूज़ होगे और रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा क्लियर तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है अगर कंट्रोल नहीं होगा आपकी रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी के ऊपर तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आपका पैसा डूब सकता है क्लियर आपकी कम वो रिस्क तो आपकी तरफ आ ही जाएगा प्लस आपने जितनी भी मेहनत की टाइम वेस्ट किया पैसा लगाया सब पानी में तो कंट्रोल इज एसेंशियल कोई एक बंदा होगा जो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देखेगा हर रोज कि आज हमने ये किया उससे रिस्क कितना कम हुआ आने वाला जो रिस्क है वो कितना कम हुआ दूसरे दिन जो काम किया उससे और कितना रिस्क कम हुआ वो अपडेट लेता रहेगा क्लियर अपडेट लेने के बाद वो आगे स्टेप्स लेगा अगर ये समझो ये एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा अगर ये कंट्रोल करने वाला कोई होता नहीं तो, तो सब अपने हिसाब से काम करते एक महीना दो महीना और फिर रिस्क आ रहा है कि नहीं पता चलता आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती हमारे लिए तो कंट्रोल इज ऑलवेज एसेंशियल कंट्रोल के बिना कोई टीम चल सकती नहीं है तो दीज ऑल आर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो आपको सेवन मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कुछ एग्जाम में एट कुछ नाइन आई एम टॉकिंग अबाउट एम कॉम पर्पज़ कि भाई एम कॉम पर्पज़ से सेवन मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है नेचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो आप अगेन सेम पैटर्न से ही आंसर लिखिए जैसे आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लिखा था सेम उसी पैटर्न में लिखिए सबसे पहले आप रिस्क की डेफिनेशन लिख दीजिए फिर आप रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दीजिए फिर बॉक्स बना के बॉक्स का हेडिंग लिख दीजिए नेचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फिर उसके अंदर सारे पॉइंट लिख दीजिए बॉक्स के अंदर एक एक लाइन छोड़ के तो एक पेज आपका ऐसे ही हो गया फिर आप जो सात पॉइंट है आपके टोटल उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक पॉइंट लिखिए उसके बारे में तीन चार पॉइंट लाइन एक्सप्लेन करिए इससे क्या होगा आंसर दिखने में अच्छा लगेगा क्या पता एग्जामिनर आपके पॉइंट देख के ही समझ जाए कि हाँ भाई इसका एक्सप्लेनेशन भी सही होगा एग्जामिनर को भी पेपर चेकिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी तो ये मे, ये मेरी तरफ़ से आपके पास कोई और पैटर्न और आंसर लिखने की आप फॉलो कर सकते हो बस मेरा कहना ऐसा है कि आप जब आंसर लिखो तो उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वान्टिटी भी होनी चाहिए ताकि कोई भी एग्जामिनर हो कुछ एग्जामिनर क्वालिटी मांगते हैं कुछ एग्ज़ामिनर क्वान्टिटी मांगते हैं आप दोनों सव कर रहे हो कोई भी एग्जामिनर मतलब चेकर हो उसके पास आपकी सप्लीमेंट्री पहुँच तो उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है फिर वो एग्जामिनर कैसा भी हो आपको तो मार्क्स मिल के ही रहेंगे क्लियर तो आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने किए रिस्क रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट नेचर ऑफ़ रिस्क मैनेजमेंट तो ये आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा तो चलिए बेटा अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं रोल ऑफ रिस्क मैनेजर कि भाई रिस्क मैनेजर जो है उसका काम क्या होता है व्हाट आर द रोल ऑफ रिस्क मैनेजर तो सिंपल से काफ़ी बेसिक हमने रिस्क मैनेजमेंट क्या है काफ़ी अच्छे से अब समझ चुके हैं तो उसके रिस्क मैनेजर का रोल क्या है वो भी हम समझ जाते हैं सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया आपको कि रिस्क मैनेजमेंट की एक टीम होती है उसका एक कैप्टन होगा कोई ना कोई लीडर होगा क्लियर दैट पर्सन इज कॉल्ड रिस्क मैनेजर क्लियर जो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को चला रहा है कोई ना कोई उसका हेड होगा तो सबसे पहला काम उसका क्या है टू मैक्सिमाइज़ द बेनिफिट एंड रिड्यूस द रिस्क उसका सबसे पहला काम यही है कि हो सके ना जो आने वाला रिस्क है उसको हो सके उतना ज़्यादा रिड्यूस करो या तो उसको ख़त्म कर दो और जब वो रिस्क ख़त्म हो जाता है ना तो वो हमारे लिए बेनिफिट बन जाता है और हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ आगे चला जाता है तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क मैनेजर को सबसे पहले जो काम करना है वो है हो सके उतना रिस्क कम किया जाए जो भी रिस्क हमारी तरफ आ रहा है एक महीने में आएगा दो महीने में आएगा पाँच दिन में आएगा जितना भी रिस्क आने वाला है पॉलिसी चेंज हो गई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई कोई भी तरीके का रिस्क हो आपको उसे रिड्यूस करना है और उसी रिस्क को आपके लिए बेनिफिट में कन्वर्ट करना है उसी के लिए तो रिस्क मैनेजर को रखा है इतना उसको पैसा दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं ताकि कंपनी पे वो रिस्क ना आए दूसरा काम जो है उसका वो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स उसको हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि उसको सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना है कि भाई मुझे सैलरी मिल रही है मैं उतना ही काम करूँगा आपके ऊपर पूरी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हुए जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स चाहे वो कस्टमर हो सप्लायर हो या तो फिर गवर्नमेंट खुद हो क्योंकि आपसे वो टैक्स लेती है इन्वेस्टर्स हो शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर बैंक ने लोन दिया है आपको हर कोई हर एक पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है अगर कंपनी बंद हो गई तो सबकी इनकम बंद हो जाएगी सबका पैसों का रोटेशन बंद हो जाएगा बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा और ये सब कुछ क्यों होगा क्योंकि कंपनी डूब गई और कंपनी क्यों डूब गई क्योंकि आप रिस्क को संभाल नहीं पाए क्लियर तो आपको हमेशा रिस्क जो भी रिस्क है उसको संभालने के लिए तैयार रहना है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट उनके बिहाफ पे आप लड़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा उसके बाद है एडवाइस की मैनेजोरियल पर्सनल अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि बिंग अ मैनेजर जब भी आपको कोई भी रिस्क दिखाई दे चाहे वो स्मॉल साइज़ हो मीडियम साइज हो या लार्ज साइज हो जैसा भी रिस्क हो आपको हमेशा टॉप लेवल को मतलब आपके जो के एम पी होते हैं कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल उसको हमेशा रिपोर्ट कर देने का जैसे हमने देखा था ना आगे कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो रिपोर्टिंग करती है तो ऑलवेज आपको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहने का आने वाला रिस्क कौन से कौन से है अभी जो रिस्क चल रहे उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो ये हर एक चीज़ डिटेल में बता देने की किसको की मैनेजरियल पर्सन को और बताने के बाद वो आपकी एडवाइस मांगेंगे कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए तो आप उनको एडवाइस भी दो और ऐसी एडवाइस दो जिसमें आपका खर्चा कम होता हो और रिस्क जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो जाए क्लियर कंपनी को बेनिफिट होता हो मॉनिटरी बेनिफिट होता हो वैसी एडवाइस आपको देनी है बिंग अ रिस्क मैनेजर ये आपका काम है रोल ऑफ रिस्क मैनेजर नेक्स्ट वन प्रिपेयर अप्रोप्रिएट भाई बेबी बिंग अ रिस्क मैनेजर आप अगर आप रिस्क मैनेजर हो कोई कंपनी के तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए आपके पास उतना नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस सब कुछ होना चाहिए क्लियर कि भाई कौन सी रिस्क को कैसे ख़त्म करना है फिर हर एक चीज़ आप पैसों से खत्म करने चाहोगे तो नहीं होगा कभी कभी रिलेशन से भी आप रिस्क को ख़त्म कर सकते हो क्लियर आपने मूवी में देखा होगा दो जन्म एक दूसरे को मिलते हैं बड़े पावरफुल पर्सन होते हैं एक डील कर देते हैं मैं ये नहीं करूँगा तू वो मत कर करना होगा ख़त्म दोनों का रिस्क क्लियर आपको सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए एकदम ठंडे दिमाग से सोच के देन एंड देन यू कैन रिड्यूस द रिस्क तो बिंग अ रिस्क मैनेजर आपको कौन से रिस्क के लिए कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी पता चलना चाहिए क्लियर गलत जगह पे गलत स्ट्रैटेजी यूज़ कर दी तो वो रिस्क डबल होकर आपकी तरफ बढ़ जाएगा तो बिंग रिस्क मैनेजर ये भी आप ध्यान रखिए उसके बाद यूज़ ऑफ रिसोर्स इन अ इकोनॉमिकल वे आप रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारे साधन संपत्तियों का उपयोग करोगे बहुत सारे रिसोर्सिस का उपयोग करोगे तो हमेशा याद रखना कि आप जो भी रिसोर्स यूज़ करो लेकिन वो सस्ते तरीके से यूज़ करना है इकोनॉमिकल वे सस्ता तो नहीं कहेंगे लेकिन कंट्रोल करके उसको यूज़ करना है मतलब ऐसा ना हो कि रिस्क हमें पचास हज़ार का आ रहा है और आपने रिसोर्स दो तीन लाख के यूज़ कर दिए तो ऊपर से यही चीज़ हमें महंगी पड़ी वो रिस्क तो कुछ नहीं था यही हमारे लिए रिस्क बन चुका है क्लियर मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कहावत है कि भाई चेले ज़्यादा होते गुरु कम होते उल्टा नहीं होना चाहिए कि गुरु ज़्यादा और चेले कम वरना क्या मतलब उसका तो कहने का मतलब ये है जब भी आप रिसोर्सेज को यूज़ करो आपको इकोनॉमिकल वे में कर रहा है ऐसा ना हो कि आपके रिसोर्स जितने यूज हुए हो वही आपके लिए क्या हो जाए रिस्क बन जाए क्लियर तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिंगा रिस्क मैनेजर ये आपके काम है फिर आगे बढ़ते और बहुत सारे रोल है जैसे कि टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिस्क आपका काम ही यही है पूरा दिन बैठ के आपको क्या करना है कि भाई कौन सा रिस्क आ रहा है उसको समझना है एनालाइज करना है लेकिन एक ही रिस्क नहीं होता बहुत सारे रिस्क आपकी तरफ दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं कोई रिस्क दो दिन में आएगा कोई पाँच दिन में आएगा कोई महीने में आएगा कोई साल में आएगा बट रिस्क कभी बंद नहीं हो कहते हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम आनी बंद नहीं होती वैसे बिजनेस में रिस्क आने भी बंद होते नहीं हैं उनका हर एक दिन रिस्क वाला ही है तो जो बिंग अ रिस्क मैनेजर अगर आप कोई कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट में एज अ मैनेजर हो तो आपको हमेशा रेड क्या करना है हर रोज एक ही काम करना है जो भी आने वाले रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको काफ़ी डिटेल में समझना है उसकी डीप स्टडी करनी है क्योंकि आप उस रिस्क को जितना अंदर से जानोगे आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे तो ये आपका काम है उसके बाद टू प्रिपेयर द रिस्क मैनेजमेंट बजट ऑलवेज आपको पूरे साल का या महीने का मंथली बेसिस पे ही क्वार्टरली बेसिस पे आप जैसे चाहो बजट बनाने का क्यों आप बजट बना के टॉप लेवल पे दोगे टॉप लेवल वाले उसको अप्रूव करेंगे तो आपको उतने पैसे मिलेंगे रिस्क के सामने लड़ने के लिए और ज़रूरी नहीं आप समझो आपने बोला मुझे तीन लाख रुपये चाहिए इस महीने तो कंपनी थोड़ी ना उसको तुरंत अप्रूव कर देगी वो भी सोचेगी कि तीन लाख क्यों भाई उतने बड़े कौन से रिस्क आ रहे ऐसा ना हो कि तू ही हमारे लिए रिस्क बन जाए तो हमेशा आपको प्रॉपर बजट लेके चलना है ले तो आप भी क्या कर पाओगे उस हिसाब से चल पाओगे रिस्क के पीछे कितना खर्चा कौन से रिस्क के पीछे कितना खर्चा करना है वो भी आपको माइंड में रहेगा अगर आपका बजट नहीं होगा तो क्या होगा पता है धड़ाधड़ आप पैसा यूज़ करोगे ले ना अभी समझो कि छः गोली आओ बंदूक के अंदर तो हमें पता है कैसे चलानी है चुन चुन के क्योंकि सामने वाले बहुत सारे हैं लेकिन पूरा राइफल भरा हुआ हो तो आप धड़ाधड़ गोलियाँ ही रहो चलाते रहोगे कहीं पर भी लगे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास बहुत सारी गोलियाँ हैं सेम वे रिस्क को मारने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए बिना बजट के तो हम कैसे भी उड़ाएंगे और कंपनी का पूरा पैसा ही खाली कर देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए यू मस्ट प्रिपेयर योर बजट एंड स्टिक ऑन दैट आपको उसी के हिसाब से चलना है फिर बींग रिस्क मैनेजर नेक्स्ट वन इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड भाई आपके रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए क्लियर के आपने इस महीने क्या किया तीन महीने मतलब क्वार्टरली में क्या किया हाफ ईयरली क्या किया एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए आपने कितना पैसा यूज़ किया कितना पढ़ा है आपके पास यूज़ किया तो कहाँ यूज़ किया आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं क्या करते हैं सब एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है आपने कितने रिस्क को सक्सेसफुली ख़त्म किया कितने रिस्क आपके ऊपर हावी हो गए और कंपनी को अफेक्ट करके गए एक एक माइन्यूट डिटेल आपको रिकॉर्ड करके रखनी है क्लियर ताकि वो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की जाए क्लियर कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट में कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट का भी एक आर्टिकल आता है तो उसमें आपका मेंशन कर सकते हैं कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने ऐसा किया नेक्स्ट वन इज टू असिस्ट इन द रिव्यू ऑफ मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स भाई आपने बहुत बड़े बड़े देखो कंपनियों ने ना, ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि भाई प्रोडक्शन कर इतना प्रोडक्शन करके हम देंगे बहुत सारे लोगों से किया होता है अब कोई टेक्निकल चेंजेस आ गए और नई नई मशीनरीज आ गई मार्केट में जो आपसे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके लोगों को दे रहे हैं तो ऐसे टाइम पर क्या होगा शायद आपके कॉन्ट्रैक्ट लोग तोड़ के चले जाए क्योंकि आप बहुत स्लो प्रोडक्शन कर रहे हो दूसरे लोग दो दिन में बना के दे रहे हैं उनके पास नई टेक्नोलॉजी है तो जबी भी रिस्क आपकी तरफ बढ़ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि आपको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उनको जाने नहीं दे रहा है कैसे भी करिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाइए आप उनको ऑफर दीजिए थोड़ा सस्ता करके दीजिए या अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दीजिए पर उनको जाने मत दीजिए और वो ना जाए उसका काम कौन संभालेगा रिस्क मैनेजर आपको करना है वो काम आप कैसे उसको फंसा के रखते हो आप कुछ भी करिए शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइए लेकिन आप उसको के कॉन्ट्रैक्ट जाना नहीं चाहिए आपके हाथ से क्लियर तो आपको ये एक चीज़ खास ध्यान रखनी है जब भी रिस्क आपकी तरफ आ रहा है आपको आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितनी भी डील्स आपने की है वो सभी मेंटेन करके रखनी है वो आपको जाने नहीं चाहिए कभी कभी क्या होता है ये तो टेक्निकल रिस्क की बात हुई कभी कभी पॉलिटिकल रिस्क भी आ जाता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो अभी रूलिंग पार्टी में है तो आपके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए जैसे ही अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई इलेक्शन आए पार्टी चेंज हो गई अब आपका राइवलरी पॉलिटिशियन सामने बैठा है तो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की कोशिश करेगा तो आपको ट्राई करना है कि कैसे साम देखो वो तो अपना काम कर रहा है आप अपना काम करिए आपको रोक के रखना है कैसे भी करके क्लियर फिर आप कोई भी रास्ता अपनाइए लेकिन बिंग अ रिस्क मैनेजर ये रिस्क को कंट्रोल करने का काम कौन सा किसका है आपका है क्लियर एंड लास्ट वन इज टू कंट्रोल क्लेम प्रोसेस एंड कॉस्ट एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो बिंग अ कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए महंगी पड़नी चाहिए नहीं और प्रोसेस एकदम शांति से ठंडे दिमाग से आपको उसको सॉल्व कर रहे है तो ये कुछ रिस्क मैनेजर के रोल थे सेवन मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं आपको तो आपको सेम वही पैटर्न में आंसर लिखना है जैसे आगे के क्वेश्चन के लिखे आपने सबसे पहले आप करिए रिस्क की डेफिनेशन लिख दीजिए फिर रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दीजिए उसके बाद बॉक्स बना के बॉक्स का हेडिंग डाल दीजिए रोल ऑफ रिस्क मैनेजर उसके अंदर सारे पॉइंट लिख दीजिए एक एक लाइन छोड़ के आपका एक पेज हो गया फिर ये दस पॉइंट